हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारेयानू। थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है अज की क्लास। अज आप पढ़न जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के विच 11वीं क्लास की इंग्लिश की बुक ते उहदा फोर्थ पोएम कन्फेशंस ऑफ अ बोर्न स्पेक्टेटर। इस पोएम दे पोएट कौन है कि नहीं कमेंट सेक्शन दे विच मैनू जरूर दस्यो ते अज डिस्कस करांगे इस पोएम दे क्वेश्चन आंसर्स। सब तो पहला क्वेश्चन है गया, व्हाट इज द पोएट ग्लैड अबाउट? कवि नु किस गल्लों खुशी हैगी? द पोएट हैज ऑलवेज रिमेन द स्पैक्टेटर। स्पैक्टेटर हुंदा है जिवें आपां दर्शक कहिंदे आ, तां पोएट हमेशा तो ही दर्शक रहे ने। ही हैज नेवर टेकन पार्ट इन एनी एथलेटिक्स। उन्हां ने कदे भी गेम्स, एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स दे विच हिस्सा नहीं लिया। ही हैज नेवर बीन हर्ट और वूंडेड। कदे उन्हां नूं सट नहीं लगी, कदे उह जख्मी नहीं होए। ऑल हिज लिम्स आर इंटैक्ट। कहण दा मतलब उन्हां दे सारे अंग बराबर हैगे ने, ठीक हैगे ने। नैचुरली ही इज वेरी ग्लैड, क्योंकि सट नहीं लगी, दर्शक वजो खेल देख रहे आए ने, इसे करके इस वजो वह बहुत ज्यादा खुश है। दूजा, द पोएट एडमायर्स द एथलीट्स, गिव रीजनस फॉर हिज एडमिरेशन। जेडे कवि ने वो एथलीटा की बहुत तारीफ करते हैं, कदर करते हैं, यह चीज किस तरीके दे नाल वो प्रगट करते हैं, दर्शाते हैं। देखो, द पोएट एडमायर्स द एथलीट्स फॉर देयर हीरोइक डीड्स। वो उन्होंने बहादुरी भरे जिहड़े कारनामे हैगे ने उन्होंने प्रशंसा करते हैं। ही एडमायर्स दैम फॉर देयर फाइटिंग स्पिरिट एंड स्ट्रोंग डिटरमिनेशन। लड़ाई की जिहड़ी भावना हैगी है भी खेड दे विच जित्तांगे, ते मजबूत जिहड़ा इरादा हैगा उन्होंने वह प्रशंसा करते हैं। Why does he call his spirit bashful? वो अपनी आत्मा नू एक तरीके दे नाल bashful क्यों कहते ने? हुन अंग्रेजी दे विच जिहड़ा वर्ड है गया bashful, इहदा बेसिक मतलब ए है गया भी वो एम्बैरसमेंट क्यों महसूस करते ने, शर्मिंदगी क्यों महसूस करते ने, ठीक है? या आप कह सकते हैं इत्थे एम्बैरस्ड, आत्मा शर्मिंदा क्यों है उन्होंने। देखो, ही कॉल्स हिज स्पिरिट बैशफुल बिकॉज ही फील्स वीक एंड शाई इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्योंकि आत्मा नूं इस करके शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि खेड ते खेडा दे मैदान में जो अक्सर कमजोर ते जिवें शाई जिहा हुंदा ना बंदा भी मैं नहीं खेड सकदा, ओहो जिहा हो महसूस करदे ने। अगे चौथा क्वेश्चन हैगा, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द स्ट्रगल बिटवीन द पोएट्स ईगो एंड प्रूडेंस। हुण इत्थे प्रूडेंस का मतलब हैगा जिहनूं आपां कहिंदे आ, ईगो का मतलब तो यह हो गया भी अहंकार, भी सही गलत की जब तुसीं पछाण छड दिंदे हो, ठीक है। पर प्रूडेंस का मतलब यह हुंदा है जब तुसीं यह पछाण लैंदे हो कि कीड़ी चीज़ जिहड़ी हैगी है वह सही हैगी है। ईगो दे विच तां तुहानूं पता नहीं ना लगता सही गलत दा, प्रूडेंस दे विच पता लग जाता है। देखो, इत्थे दस्या गया, द पोएट लव्स टू वॉच द हीरोइक डीड्स ऑफ एथलीट्स। भी एथलीट्स जिहड़े बहादुरी भरे कारनामे करते हैं उन्होंने वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी होंदी है, वधिया महसूस होंदा है। समटाइम्स हिज ईगो गोड्स हिम टू शो हिज मेटल इन स्पोर्ट्स। इत्थे गोड्स का मतलब ये हैगा भी कई बार उन्होंने जिहड़ी ईगो हैगी है, होमे हैगी है, ओहो जिवें आपां गुस्से दे विच कुछ करदे आ ना, ओह उहनां नूं ललकारदी है वी जाके ओहो स्पोर्ट्स दे विच, या आपां कह सकदे आ खेडां दे विच अपनी मैटल। कहण दा मतलब अपना जिहड़ी हिम्मत हैगी है, करेज हैगी, दलेरी हैगी है, ब्रेवरी हैगी है, ओह जाके दिखाउण, मतलब ललकारे दिंदी है ना। बट देन हिज प्रूडेंस वॉर्न्स हिम ऑफ द डेंजर्स एंड रिस्क ऑफ स्पोर्ट्स। पर फिर उहनां दी अकल प्रूडेंस उहनां नूं समझाती है, उन्होंने याद दिलाती है भी जब तुम गेम खेडन जाते हो तो की खतरे ने, सूझबूझ के नाल खेडा दे विच की नुकसान होंगे ने, उन्होंने चेतावनी दिंदी है। सो ही फॉलोज दी एडवाइस ऑफ प्रूडेंट। समझदारी की एडवाइस जी है, समझदारी की सलाह ओदे ते चलते ने। एंड रिजोल्व्स टू रिमेन अ स्पैक्टेटर। तो वो कहते हैं मैं खेड नहीं सकता पर मैं दूरों दर्शक बन के गेम देख सकता, तो आप कह सकते हैं भी उन्होंने जी प्रूडेंस हैगी है, सूझबूझ हैगी है, समझदारी हैगी है, वह जितती है कि होमे के उत्ते, ईगो के उत्ते। लिस्ट द थिंग्स दैट द पोइट इज रेडी टू डू फॉर द एथलीट्स। वो खिडारियों की कुछ करने तैयार है।
ही इज रेडी टू ड्रिंक टू द हेल्थ ऑफ द एथलीट्स। कहने का मतलब उन्हां दी सेहत दे लई ओहो कुछ भी करन लई तैयार है कि इन खिडारियों दे। ही कैन डाइन विद देम, उन्हां लई उन्हां नाल जाके खाना खा सकदे ने। इन ऑर्डर टू वॉच देयर गेम ही इज प्रिपेयर टू बाई इवन द कॉस्टली टिकट्स। उन्हां दी खेड देखण दे लई भी उन्हां नूं फायदा होए ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲਾਈਨਸ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਦ ਪੋਇਮ। ਮਾਈ ਲਿੰਪ ਐਂਡ ਬੈਸ਼ਫੁਲ ਸਪਿਰਿਟ ਫੀਡਸ ਔਨ ਅਦਰ ਪੀਪਲਸ ਹੀਰੋਇਕ ਡੀਡਸ। ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਇਟ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਆਫ ਹਿਸ ਓਨ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਸੱਚ ਡੀਡਸ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਹੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਹੀਰੋਇਕ ਡੀਡਸ, ਵੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਇਹ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਕੇਅਰਡ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਹਰਟ ਵਾਇਲ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਸੱਚ ਡੀਡਸ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ read the following lines, buy tickets worth their weight in radium. ede vich ki matlab hai is sentence da, oh tusi dassna hai. pehla hai gaya, the poet gives radium to buy tickets, or radium dinde ne tickets khareedan layi. ya the poets would pay anything for buying tickets to watch the game. vi jehde poet hege ne oh kuch bhi den de layi taiyar hege ne oh match dekhan de layi jo khidari khed rahe ne. ਯਾ ਦ ਪੋਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਾਏ ਟਿਕਟਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ, ਦ ਪੋਇਟ ਵੁੱਡ ਪੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫੋਰ ਬਾਇੰਗ ਟਿਕਟਸ ਟੂ ਵਾਚ ਦ ਗੇਮ। ਵੀ ਗੇਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, read the following lines and answer the questions that follow. Lines ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, I am glad that when my struggle begins, tricks, prudence and ego prudence wins. ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ prudence ਤੇ ego ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, the poet's ego urges him to show some heroism on the play field. How often does he show it? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਂਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਨੈਵਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਨੀ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਔਨ ਦ ਪਲੇ ਫੀਲਡ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਅ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਆਲਵੇਜ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸ਼ੋ ਹਿਸ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀਰੋ ਪੰਥੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਹਿਸ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਠੀਕ। ਅੱਗੇ, ਰਾਈਟ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਦ ਪੋਇਟ ਸਟਰਗਲ। ਪੋਇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦ ਪੋਇਟ ਵਾਚਿਸ ਦ ਹੀਰੋਇਕ ਡੀਡਸ ਆਫ ਦ ਐਥਲੀਟਸ। ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕੰਮ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਿਸ ਈਗੋ ਗੋਡਸ ਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੀ ਆ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਟਸ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਬਟ ਹਿਸ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਝਬੂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਰਨਸ ਹਿਮ ਆਫ ਦ ਡੇਂਜਰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕਸ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ, ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਜਾਓਗੇ। ਦਸ there goes on a struggle between his ego and prudence. ego ਹਉਮੈ ਤੇ prudence ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। however he follows the advice of the prudence and thus his prudence wins. ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ। What is he glad about? ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ? The poet has always been a spectator. ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਰਹੇ ਨੇ। He has never taken part in any athletic competition. athletic ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। He has never been hurt or wounded. ਕਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। All his limbs are intact. ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਰੱਬਾ ਸੱਖ ਸੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ, these two lines contain the theme of the poem explain. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, these two lines contain the theme, ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ poem ਦਾ, which is the poet wants to remain as a spectator always, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ
अगे भी एक दर्शक बन के रहना चाहते ने, अपनी खेड खेडना चाहते, अपनी सट लगवाना चाहते। ही डजंट वांट टू टेक पार्ट इन एनी गेम्स, अपनी खेडा में हिस्सा लेना चाहते। हिज ईगो समटाइम्स अर्जेस हिम टू शो सम हीरोइज्म ऑन द प्ले फील्ड। हालांकि उन्हों की ईगो जी होम है उन्होंने ललकार दी है भी जाके खेड के मैदान से अपना करेज दलेरी हिम्मत दिखा। बट हिज प्रूडेंस अकलमंदी सूझ बूझ वॉन्स हिम ऑफ द डेंजर्स ऑफ इंजरी भी जे तू पुत गया तो सट तो लगी लगी। एंड द स्पैक्टेटर लिसन टू द वॉइस ऑफ द प्रूडेंस। इस करके एक दर्शक वजो रहना चाहते ने ते समझदारी की जी सियाणप वाली गल हैगी है उहदे नाल उहो डिसीजन लेंदे ने। ते असी की अज की क्लास में उम्मीद करदी हाँ क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। जे वीडियो वधिया लगी तो चैनल नू लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करे। फिर मिलांगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।